हेलो। हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग मीट करने वाले हैं दीपक कुमार दुबे से, जो कि आसनसोल से बिलोंग्स करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी धन्यवाद सर। जी जी बिल्कुल बताना चाहता हूँ, मेरा नाम दीपक कुमार दुबे है, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, आसनसोल का। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, और तो मैं अपनी हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी मैं अपनी क्लास 12 का पढ़ाई कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ सर। ग्रेजुएशन अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई, अभी अपने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, राइट? हाँ जी सर, और 12th कंप्लीट हो चुका आपका। अच्छा हाँ जी सर, 12 अच्छा कंप्लीट ठीक हो है। गया। आपने कौन सा ईयर में ये जॉइन जॉब ज्वाइन किया था, मीन्स आसनसोल बीपीओ कन्वर्जेंस? सर देखिए, मैं आसनसोल में जॉब करता था बीपीओसी के हाँ सेक्टर में, हाँ ठीक ठीक और ठीक है। प्रोसेस था सर वो स्विगी प्रोसेस सर। स्विगी प्रोसेस, ये इनबाउंड था जी या आउटबाउंड था? सर, इनबॉर्न था इन सर। एक दिन में कितने कॉल रिसीव करने पड़ते थे आपको? सर देखिए, 8 आवर्स का शिफ्ट रहता है, जी और 8 आवर्स में से मैक्सिमम 120 कॉल अटेंड करना पड़ता था। मैक्सिमम एएसटी भी मेंटेन करना पड़ता होगा। हाँ हाँ जी, एसटी भी मेंटेन करना मेंटेन पड़ता है, करना। 240 सेकेंड सेकेंड का अच्छा, ठीक है। जो आपका इंटरव्यू राउंड हुए थे, टोटल कितने राउंड थे? दो सर। टोटल 2 राउंड के होते सर। राउंड थे, वेरी गुड। और फर्स्ट राउंड में क्या क्या पूछा गया था, सेकेंड राउंड में क्या क्या पूछा गया था आपसे? सर फर्स्ट राउंड जो होता है वो हमारे सर रहते हैं एचआर लेते हैं, और एचआर के तरफ से जो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू रहता है, एचआर से बस सर नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। जी। सेल्फ इंट्रोडक्शन वो हमारे लिए पूछे थे, मैंने जी सेल्फ जी इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने पूछा जी कि आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने अच्छा वो भी अच्छा बताया। मतलब ये इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया अब तक? इंग्लिश से पूछा गया था, और अच्छा आप अच्छा हिंदी में भी अच्छा बता सकते हिंदी हैं। में भी बता सकते, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? नहीं, ओके ओके ठीक है। सेकंड राउंड में क्या क्या पूछा गया था आपसे? सर सेकेंड राउंड में बस ये पूछा गया था कि आप इतने अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहते हो तो इतना अगर लॉन्ग डिस्टेंस आना जाना रहेगा या नाइट का आपका शिफ्ट रहेगा तो आप कंटिन्यू कर पाओगे जॉब में। तो बस सर मैंने बोला अच्छा हाँ अच्छा सर अच्छा कर पाऊंगा। नॉर्मल इंटरव्यू, कोई टाइपिंग वगैरह टेस्ट भी लिया गया या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था? हाँ जी सर, एक टाइपिंग का टेस्ट भी होता है उसी के दौरान। अच्छा, मतलब 2 राउंड के बाद एक टाइपिंग का टेस्ट होगा, जो कि बेसिक टेस्ट होगा, राइट? उसको जी आपको सर, क्वालिफाई करना है ना? जी जी ठीक सर। ठीक ठीक अब ये बताइए कि आपका वर्किंग डेज क्या था, वर्किंग आवर्स क्या था, वीक ऑफ डेज क्या थी, और सैलरी क्या थी या सैलरी रेट क्या था, ये 5 चीज क्लियर कीजिए ऑडियंस को। बिल्कुल सर, देखिए एक्चुअली सर हमारा जो सैलरी था सर बीपीएससी सेक्टर के तरफ मिलता था, जी, वो टोटल सर 11,990 रुपया जो होता और है जो सीटी वो थी सैलरी 11,990 होता है। सीटी हाँ थी जी, था आपका? और जो इन हैंड मिलता है सर नौ जी हजार जी छह सौ रुपया जो पर मंथ के 7 तारीख को मिल जाता है सर, अच्छा सर, 7 तारीख को। अच्छा सैलरी डेट अगर बात कर लो तो 7th के डेट पे आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते थे, राइट? हाँ जी और जो सर, सैलरी था 11,900 सीटी थी था फॉर फ्रेशर कैंडिडेट, अगर एक्सपीरियंस बंदा है तो हो सकता है कि 1,500 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट? बिल्कुल सर, अच्छा, अगर और ये एक्सपीरियंस ओटी सर्टिफिकेट वगैरह भी का आपके चांस था पास। कि नहीं, कंपनी में ओटी मिलती थी कि नहीं ओवरटाइम का? हाँ जी सर बिल्कुल, ओटी का भी आपका सर पेमेंट मिलता है सर। हाँ, ओटी का क्या रूल्स क्राइटेरिया था इसका? सर ओटी का देखिए, ओटी मिनिमम आप कर सकते हैं सर, 1 आवर्स मिनिमम आप ओटी कर सकते हैं, और अच्छा आप पे अच्छा डिपेंड कर सकते हैं कि आप जी कितना समय ओटी कर सकते हैं। जी 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 मतलब वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, वो कितना आवर्स है, मतलब नहीं कैंडिडेट पे नहीं, कैंडिडेट पे डिपेंड हुआ ना कि 1 आवर्स का ही हाँ मिलेगा जी सर उसको, और वो बिल्कुल करना चाहता है या नहीं करना चाहता, राइट? जी, ठीक अगर ठीक अगर ऑफिशियल रिक्वायरमेंट रहता है सर ओटी का, तो ओटी का एक्स्ट्रा चार्ज भी दिया जाता है कंपनी के अच्छा, तरफ कंपनी से। की तरफ से मतलब 1 आवर का सर 100 या 200 अल्पों को मिलता होगा, राइट? हाँ जी और सर, रेफरेंस पे कभी आपने क्या किसी कैंडिडेट को रेफरेंस किया, जैसे आपने जो भी जॉब किया 4 महीना या 6 महीने जितने भी जॉब किए आपने, तो कभी कभी कोशिश किया कि किसी बंदे को रेफरेंस किया जाओ? कभी आपने ऐसा सुना कि कोई बंदा रेफरेंस से मान लीजिए महीने का 500 या 1,000 रुपये या 2,000 रुपये कमा रहा या अर्न कर रहा है, ऐसा कभी सुना आपने? हाँ जी सर देखिए, आप यहाँ से रेफरेंस रेफर करके भी आप अर्न कर सकते हो सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा सर उस बिल्कुल वैलिडेट प्रोसेस रहता है कंपनी के तरफ से। आप कोई भी अगर फ्रेंड कजन एज ए ब्रदर सिस्टर किसी को आप रेफर करते हो, तो अगर वो बंदा अगर वर्क करता है आपकी कंपनी में, तो हाँ आपका उसका ओटी का जब आपका पैसा पेमेंट मिलता है सर, उस समय आपका 800 रुपीज एक्स्ट्रा मिलता है जो आप रेफर करके मिला है आपको। अच्छा, 800। हाँ जी सर, अच्छा बिल्कुल, मतलब 1 कैंडिडेट पे 800 आप बोले ना? हाँ जी सर, जी बिल्कुल ठीक है। तो आपको इतना, आप वर्क फ्रॉम होम करते थे या वर्क फ्रॉम ऑफिस करते थे? देखिए एक्चुअली सर देखिए, मैं तो वर्क फ्रॉम होम ऑफिस करता था, जी। और जब मुझे कुछ फैमिली इशू हुआ तो मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अप्लाई किया, हाँ, तो तो वर्क फ्रॉम मुझे ऑफिस मिले। आपको हाँ मिल गया था या नहीं मिला था? जी बिल्कुल मिल गया, उसके लिए प्रोसेस रहता है सर। आपको अच्छा पास अच्छा
लैपटॉप होना चाहिए और बस आपके पास सर कनेक्शन होना चाहिए वाईफाई का। वाईफाई का, राइट। तो मतलब वैसे वैसे कैंडिडेट जिनके पास लैपटॉप है, वाईफाई कनेक्शन, वो बिल्कुल स्विगी को वर्क फ्रॉम होम ले सकता है, कोई इश्यूज नहीं। कुछ दिन जी पहले ऑफिस कर ले, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम अपन लेके आराम से महीने के 12,000 तक आराम से अर्न कर सकता है, राइट बिल्कुल सर। जी। और क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे हमारे आपकी आवाजों को लगभग 9,000 सब्सक्राइबर्स हमारे सुन रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे अगर वर्क फ्रॉम होम जॉब वो सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि आपके जैसे हमारे तो सबसे पहली बात तो बहुत बहुत बधाई कि आपके सर टोटल 909,000 आपका टोटल सब्सक्राइबर हो चुका है, इसके लिए बहुत बहुत हुआ धन्यवाद नहीं अभी, होने वाला है। अच्छा, जी, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी बताना चाहता हूँ सर ये कंपनी बहुत ही एक ट्रस्टेड कंपनी है बीपीओसी सेक्टर, जी जी और जी इसके अंदर अगर आप जॉब करते हो आपको सर और भी फैसिलिटी दिया जाता है सर जी। जैसे और क्या क्या फैसिलिटी कंपनी की ओर से प्रोवाइड की जाती है? देखिए जिस प्रकार बताना चाहता हूँ सर, आपने पूछा है और क्या फैसिलिटी मिलता है, जी जैसे सर बताना चाहता हूँ मेल के जो मेल रहते हैं सर मेल मेल वो जिनका नाइट शिफ्ट रहता है सर, जी इवनिंग शिफ्ट नाइट शिफ्ट, तो हाँ नाइट शिफ्ट के उनका जो होता है सर हाँ उसमें गाड़ी नहीं मिलती है, तो कैब का व्यवस्था सर हमारी कंपनी के तरफ से होती है सर। अच्छा, कैब फैसिलिटी भी कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर मान लो हाँ कोई जी नाइट बिल्कुल में 2 बजे रात को शिफ्ट खत्म हो रहा है उसका, तो कंपनी उसको नाइट ये अलाउंसेस भी पे करती है या फिर कैब ही फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? नो सर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वो कंपनी के तरफ से अच्छा, रहता है फ्री सर। ऑफ कॉस्ट रहता है, मतलब कंपनी पे हाँ करती है, आपको कुछ भी ये नहीं बिल्कुल करना। जी, ये सिर्फ बिल्कुल इतने किलोमीटर में क्राइटेरिया रहता होगा कि इतने किलोमीटर के अंदर कंपनी आपको ड्रॉप कर सकती है, राइट। हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ, मतलब ये फैसिलिटी है, ठीक है। और कुछ फैसिलिटी जैसे कंपनी के द्वारा जो आपने मतलब जॉब किया, तो कुछ बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को? और सबसे पहला चीज़ है कि जैसे मान लीजिए जिस बंदे का इंग्लिश कमजोर है, या जिस बंदे को बंगाली आती है, हिंदी आती है, उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं इसमें वर्क फ्रॉम होम के लिए? एक्चुअली सर देखिए इसमें सभी प्रकार के जितने भी होते हैं सर सभी प्रकार के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी बंगाली इंग्लिश, अच्छा ये अच्छा तीन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल सर आप बने हुए हैं। बिल्कुल बने हुए हैं, ठीक है। लास्ट हाँ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। दीपक जी, आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि आपने जॉब किया, ठीक है, तो आपको कैसा लगा बीपीओ सेक्टर में काम करके? इसके कुछ फायदे बताइए या कुछ नुकसान बताइए, मतलब जो रियलिटी में मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये मैं आपसे अनुभव लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं, तो जैसे जॉब होता ना कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, 2 से 4 लाइन के अंदर हमें कंफर्म कीजिए। बिल्कुल बताना चाहता हूँ सर, जिस प्रकार मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके पास शेयर कर रहा हूँ और आपके जी पूरे जी बिल्कुल फैमिली के साथ शेयर कर रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल मैंने जिस प्रकार वर्क किया है अपने बीपीओसी सेक्टर में, बीपीओसी सेक्टर मेरे लिए बहुत ही बेहतर है और मुझे नहीं लगता है कि बीपीओसी सेक्टर के अलावा मैं और कोई कंपनी भी जाना चाहता हूँ। ठीक बात है। हाँ, क्योंकि देखिए मेन चीज क्या है, यहाँ पे आपको सीखने को बहुत सारा चीज मिलता है। सबसे बड़ा चीज यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अच्छा होता है, आपको बातचीत का तरीका पता चलता है कि कस्टमर से कैसे बात करनी है, क्लाइंट से हाँ कैसे जी बात करनी है, एचआर से कैसे बात करना, टीम लीडर से कैसे बात करना, वो जो टाइम का वैल्यू पता चलता है कि एक एक मिनट का टाइम की वैल्यू क्या है, राइट। अब ये बच्चे जो होते हैं 18 साल प्लस होते हैं, क्रिकेट में समय मतलब व्यतीत कर रहे हैं, कोई पबजी में कर रहा है, कोई कुछ में कर रहा है, टाइम वेस्ट गॉसपिंग कर रहा है, लेकिन उनकी टाइम की जो वैल्यूएशन होती है, वो किसी भी कॉल सेंटर को ज्वाइन करे और तब जाकर उन्हें पता चला है कि 1 मिनट भी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। यार मैं बोल रहा हूँ, है ना। हाँ जी सर हाँ, बिल्कुल तो आपने वो चीज़ सही से कहा। उनको कम एज में पता चल जाएगी कि नहीं, टाइम की वैल्यूएशन है। 18 साल की एज में जब लड़के को ये पता चलेगा कि टाइम कितना कीमती होता है, तो उसको और सही डायरेक्शन में उनका अपना गोल सेट कर सकते हैं, उनके लिए फ्यूचर के लिए चीज काम आएगा। तो ये सब बहुत बिल्कुल सारी मैं चीजें हैं जो कि तो कॉल सेंटर ये से भी सीखने सलाह को देना, मिलता है। हाँ जी सर मैं भी ये भी सलाह एक देना चाहता हूँ सर, मैं अपनी ओर से बताना चाहता हूँ कि जी जी एक स्टूडेंट हो के आप कम से मिनिमम 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस आप जरूर ले कॉल सेंटर का, जी या सर जी बिल्कुल, फ्यूचर में कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा बहुत आपको मदद काम आएगा करेगा। आपका। हाँ बिल्कुल, ये एकदम सही है। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, मान लीजिए आप मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपके मान लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे 90% लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो आप भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल साइड से अपना बीपीओ ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से अर्न कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं, राइट। हाँ जी सर हाँ बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने अपना कीमती समय हमारी यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने काफी अच्छे तरीके से समझाया कि किस प्रकार जो है कॉल सेंटर सभी के लिए फायदेमंद है, एडवांटेज है, और आपने ये भी बताया कि कैसे यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक किया जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन वगैरह रेज करते हैं, सैलरी क्या है, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीकऑफ डेज, सैलरी सैलरी डे, टोटल आपने कन्फर्म किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।